गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई हिना परमार फ्रॉम यूनिटी पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम कामरेज, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 14 मल्टीप्लिकेशन। आज हम चैप्टर 14 में मैथ सब्जेक्ट में मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ठीक है। लर्न एंड राइट टेबल। तो 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, 1 3 सा 3, 1 4 सा 4, 1 5 सा 5, 1 6 सा 6, 1 7 सा 7, 1 8 सा 8, 1 9 सा 9, एंड 1 10। तो ये 1 का टेबल है। 1 मल्टीप्लाई 1 तो कितने होते हैं 1, 1 प्लस 1 तो कितने होते हैं 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 थ्री टाइम्स करते तो कितने होते 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 फोर टाइम करते तो कितने होते 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 फाइव टाइम करते तो कितने होते 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सिक्स टाइम करते तो कितने होते 6, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सेवन टाइम करते तो 7, और 1 प्लस 8 टाइम करते तो कितने होते 8, 1 प्लस 9 टाइम करते तो कितने होते 9, और 1 प्लस 1 प्लस ऐसे 10 टाइम करते तो कितने होते 10। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन है। क्या है? रिपीटेड एडिशन है। अब हम 2 का टेबल देखते हैं। 2 1 सा 2, 1 टाइम 2 करते तो कितने होते 2, 2 2 सा 4, दैट मीन्स 2 प्लस 2 टू टाइम्स तो कितने होते 4, 2 प्लस 2 प्लस 2 थ्री टाइम्स करते तो कितने होते 6, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 फोर टाइम करते तो कितने होते 8, 2 4 सा 8। 2 को हम 5 टाइम प्लस करेंगे तो कितने होते 10, 2 को हम 6 टाइम प्लस करेंगे तो कितने होते 12 होते, 2 को हम 7 टाइम प्लस करेंगे तो कितने होते 14, 2 को हम 8 टाइम प्लस करते हैं तो कितने होते 16, 2 को हम 9 टाइम प्लस करेंगे तो होते हैं 18, 2 को हम 10 टाइम प्लस करते हैं तो होते हैं 20। तो ये 2 का टेबल है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन है। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, 2 7 सा 14, 2 8 सा 16, 2 9 सा 18, एंड 2 10 सा 20। अब 3 का टेबल देखते हैं हम। तो 3 1 सा 3, 1 टाइम 3 मीन्स 3, 2 टाइम्स 3 होता है तो 3 प्लस 3 कितने होते 6, कितने होते 6, तो दैट मीन्स 3 2 सा 6, 3 टाइम 3 प्लस 3 प्लस 3 करते तो कितने होते 9, 3 3 सा 9, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 फोर टाइम करेंगे तो कितने होंगे 12, 3 4 सा 12, 3 को हम 5 टाइम प्लस करेंगे तो होते हैं 15, 3 5 सा 15, 3 को हम 6 टाइम प्लस करेंगे तो कितने होते 18, 3 6 जा 18, 3 को हम 7 टाइम प्लस करेंगे तो होते हैं 21, 3 को हम 8 टाइम प्लस करते तो होता है 24, 3 को हम 9 टाइम प्लस करेंगे तो होता है 27, और 3 को हम 10 टाइम प्लस करेंगे तो होता है 30, 3 10 जा 30। वापस टेबल रिपीट करती हूँ। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, 3 6 सा 18, 3 7 सा 21, 3 8 सा 24, 3 9 सा 27, एंड 3 10 सा 30। अब हम 4 का टेबल देखते हैं। तो 1 टाइम 4 तो कितने होते 4, 4 1 सा 4, 2 टाइम 4 करेंगे तो कितने होंगे 4 प्लस 4 8, 3 टाइम्स 4 करेंगे तो कितने होते 4 12, 4 3 सा 12,
फोर को हम फोर टाइम प्लस करेंगे तो होते हैं 16, फोर फोर ज़ा 16, फोर को हम फाइव टाइम प्लस करेंगे तो कितने होते हैं 20, फोर फाइव ज़ा 20, फोर को हम सिक्स टाइम प्लस करेंगे तो होते हैं 24, फोर को हम सेवन टाइम प्लस करेंगे तो कितने होते हैं 28, फोर को हम एट टाइम प्लस करेंगे तो कितने होते हैं 32, फोर को हम नाइन टाइम प्लस करेंगे तो कितने होते हैं 36, और फोर को हम टेन टाइम प्लस करेंगे तो 40, कितने होते हैं 40। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन है। फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर फोर ज़ा 16, फोर फाइव ज़ा 20, फोर सिक्स ज़ा 24, फोर सेवन ज़ा 28, फोर एट ज़ा 32, फोर नाइन ज़ा 36 एंड फोर टेन ज़ा 40। अब हम फाइव का टेबल देखते हैं। फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा 10, तो फाइव को हम टू टाइम्स करेंगे तो फाइव प्लस फाइव कितने होते हैं 10, फाइव को हम थ्री टाइम करेंगे प्लस तो फाइव थ्री ज़ा 15, फाइव को फोर टाइम प्लस करेंगे फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव तो कितने होंगे 20, फाइव फोर ज़ा 20, फाइव को हम फाइव फाइव टाइम करेंगे तो कितने होंगे 25, फाइव फाइव ज़ा 25, फाइव को हम सिक्स टाइम प्लस करेंगे तो कितने होते 30, फाइव सिक्स ज़ा 30, फाइव को हम सेवन टाइम प्लस करेंगे तो कितने होंगे फाइव सेवन ज़ा 35, फाइव को हम एट टाइम प्लस करेंगे तो कितने होते 40, फाइव एट ज़ा 40, फाइव को नाइन टाइम हम प्लस करते हैं तो कितने होते फाइव नाइन ज़ा 45 एंड फाइव को हम टेन टाइम प्लस करेंगे तो कितने होते बच्चों, गैस करो तो फाइव टेन ज़ा 50। तो फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा 10, फाइव थ्री ज़ा 15, फाइव फोर ज़ा 20, फाइव फाइव ज़ा 25, फाइव सिक्स ज़ा 30, फाइव सेवन ज़ा 35, फाइव एट ज़ा 40, फाइव नाइन ज़ा 45 एंड फाइव टेन ज़ा 50। क्वेश्चन टू, फिल इन द ब्लैंक्स। लुक यार, देखो ए में है फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव, तो कितनी टाइम्स फाइव है, थ्री टाइम्स, तो थ्री मल्टीप्लाई फाइव, थ्री मल्टीप्लाई फाइव तो कितने होते फिफ्टीन, थ्री फाइव ज़ा 15। यहाँ पे देखो बी में थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, कितनी टाइम थ्री है तो फोर टाइम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर, और नंबर कौन सा है थ्री है, तो फोर थ्री ज़ा कितने होते ट्वेल्व, कितने होते ट्वेल्व। अब यहाँ पे देखो सेवन 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 कितनी टाइम है, हम काउंट करते वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स टाइम है, और कौन सा नंबर है सेवन, तो सिक्स मल्टीप्लाई सेवन, सिक्स सेवन जा कितने होते 42। अब यहाँ पे सिक्स कितनी टाइम है, वन टू थ्री फोर, सेवन कितनी टाइम है तो सिक्स टाइम, तो सिक्स सेवन जा 42। अब हम देखते हैं सिक्स, तो डी देखते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन टाइम है और नंबर कौन सा है सिक्स, तो सेवन सिक्स जा 42। अब वन 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 कितनी टाइम है, चलो हम काउंट करते हैं, तो वन टू कितनी टाइम है बच्चों, चलो गेस करते हैं कितनी टाइम है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइम है, कितनी टाइम है नाइन टाइम है, तो पहले हम लिखेंगे नाइन फिर लिखेंगे वन, कौन सा नंबर है वन, तो क्या लिखना है नाइन मल्टीप्लाई वन, तो नाइन वन ज़ा या तो वन नाइन ज़ा, आंसर सेम ही होता है, आंसर
सेम ही होता है। अब राइट एज रिपीटेड एडिशन, देखो 3 × 5 दैट मीन्स 5 + 5 + 5 तो 3 × 5 क्या होगा 3 × 5। अब नेक्स्ट देखते हैं बी, तो 4 × 6 दैट मीन्स 6 + 6 + 6 हमें कितनी टाइम लिखना है बच्चों 4 टाइम। कितनी टाइम 4 टाइम हम क्या लिखेंगे 6 + 6 + 6 तो दैट मीन्स क्या होगा 4 × 6 क्या होगा 4 × 6 ठीक है। चलो अब सी देखते हैं, तो सी में है 5 × 7 दैट मीन्स 7 नंबर को हमें 5 times multiply करना है। क्या करना है 7 नंबर को हमें क्या करना है 5 times multiply करना है, तो 5 × 7 क्या होगा 5 × 7 तो 5 × 7 जा कितने होते बच्चों 35। 3 × 6 तो 6 + 6 + 6 कितनी टाइम करेंगे 3 times दैट मीन्स 3 × 6 क्या होगा 3 × 6 तो आंसर क्या होगा 3 × 6 = 18 क्या होगा 3 × 6 = 18। 5 × 9 तो 9 को हमें 5 times ऐड करना है, क्या करना है 9 को 5 times हम ऐड करेंगे तो आंसर है 5 × 9 = कितने होते 5 times 9 आंसर क्या होगा 5 × 9 = 45 क्या होगा 5 × 9 = 45। अब लास्ट में है 10 × 3 तो हमें 3 को 10 times करना है, कितनी टाइम 10 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। अब हम यहाँ लिखेंगे 10 times 3 तो 3 times 3 = 10 3 कितने होते 30 आंसर सेम ही होता है। अब क्वेश्चन 4 फिल इन द ब्लैंक्स, 4 × 40 तो 4 के टेबल में 40 कब आता है 4 × 40। बी में है 3 × 3 × 15 तो 3 के टेबल में 15 कब आता है 2 × 3 = 15। 5 सी में देखते हैं 5 × 25 तो 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 × 5 = 25। डी 3 × 4 = कितने होते बच्चों 12। 1 × 6 = 6 और 2 × 6 = कितने होते तो 2 × 6 = होते हैं 12। कितने होते बच्चों 2 × 6 = 12। 1 × 6 = 6 2 × 6 = 12। अब यहाँ पे जी देखते blank × 6 = 18 तो 6 के टेबल में 18 कब आता है तो 3 × 6 = 18 कितने होते 3 × 6 = 18 और 3 के टेबल में 27 कब आता है तो 3 × 9 = 27। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए आपको टेबल लर्न करना आवश्यक है। तो आपको क्या करना है ये टेबल नोटबुक में भी 3 times लिखना भी है और लर्न भी करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लर्न भी करोगे ना, मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से जल्दी से कर लोगे। ओके बाय, थैंक यू।